अष्टमा शतगमया। चलिए आज हम एमपीजीके के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डिटेल देखते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जब पढ़ाई करते हैं या पूरा डेटा कवर कर लेते हैं, तो मुझे तो विश्वास है कि हमारी 50 से 75% एमपीजीके पूरा हमारा कवर हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डेटा देख लें, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लें, वहाँ पर उसकी खाद्यान्न व्यवस्था समझ सकते हैं, उसकी नदी व्यवस्था समझ सकते हैं, उसकी कृषि व्यवस्था समझ सकते हैं, वहाँ के प्रमुख धार्मिक क्षेत्र हम देख सकते हैं, उसके विकासखंड, उसके तहसील और उसका क्षेत्रफल, वहाँ की साक्षरता का प्रतिशत, नगरीय निकाय, वहाँ का ग्रामीण स्तर, है ना, वहाँ का लिंगानुपात, वहाँ का जनघनत्व, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। तो उसमें हमें जैसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, है ना, नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, इस प्रकार के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं वो सारे ही हमारे कवर हो जाएंगे। और इसीलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि पूरा डेटा कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले आज लेकर के चलते हैं आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट। मुरैना के अंतर्गत यहाँ पर ये इसमें 6 तहसील दर्शाई गई हैं। ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट है पूरी आकृति में। और मुरैना में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इधर का क्षेत्र भिंड से लगा हुआ है, इधर ग्वालियर से लगा हुआ है। तो ग्वालियर, भिंड और ये जो ये वाला जो क्षेत्र है जो कि मुरैना वाला, ये हमारा चंबल संभाग में आता है ना। तो इधर हमारा ये चंबल संभाग हो गया है। इसी के बाद इधर शिवपुर भी है और इधर शिवपुरी है, जो हमने मध्य प्रदेश के नक्शे के अंतर्गत देखा था। अभी भी हम एक इसका नक्शा कवर कर लेते हैं। देखिए एमपीए के जो का मैप है, इसके अंदर ये वाला क्षेत्र ये मुरैना क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिया है, जिसके पास में ये भिंड है, ये भिंड है, और इसके पास ये ग्वालियर लगा हुआ है, ये ग्वालियर है, और ये यहाँ पर शिवपुरी है ना। तो इस प्रकार से, और श्योपुर है, ये इधर श्योपुर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर श्योपुर है, और ये जो जगह है इतनी, ये पूरा राजस्थानी क्षेत्र है, राजस्थान का सीमावर्ती जिला है मुरैना। कुछ क्षेत्र इसका यहाँ से उत्तर प्रदेश में लगता है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों का ही सीमावर्ती क्षेत्र है मुरैना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हल हो गया, तो मुरैना क्या है, तो ये सीमावर्ती जिला है, किसका है, इधर का भाग तो हमारा श्योपुर तरफ का है, ये तो राजस्थान के क्षेत्र में है, और इधर का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में लगता है। चलिए अगला हम इसकी बात करें। तो मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, और जिसका कुल क्षेत्रफल 4,989 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 19,65,970 जनसंख्या है यहाँ की कुल जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या गण के बाद, अब जब गणना होगी तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 840 यहाँ का लिंगानुपात है, यानी प्रति पुरुष महिलाओं का। साक्षरता की बात करें तो 71% साक्षरता है।
साथ ही साथ एक कुर्सी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ का 394 जनसंख्या घनत्व है। नगरीय निकाय की बात करें तो 23.9% नगरीय क्षेत्र है, बाकी का जो है कि 76.1% ग्रामीण क्षेत्र है। तहसीलों की बात करें तो मुरैना, अम्बाहा, पूर्सा, जोरा, संबलगढ़, कैलाशर, ये संबलगढ़ हो गया, ये इतना कैलाशर हो गया, ये जोरा हो गया, ये खुद मुरैना जहाँ पर इसका क्षेत्र है यानी जिला क्षेत्र है, ऐसे तो पूरा मुरैना है ही लेकिन इतने में ये जिला क्षेत्र है, और ये अम्बाहा और ये परोसा पोरसा। तो इस प्रकार से यहाँ की 5 तहसीलें कंप्लीट हैं इसके अंतर्गत, है ना। विकासखंड की बात करें तो 5 तहसील में 5 विकासखंड, सॉरी 6 तहसील में 6 विकासखंड तो है ही, इसके अलावा एक और विकासखंड है पहाड़गंज, यहाँ का विकासखंड है। तो इस प्रकार से 6 तहसील के 6 विकासखंड और एक पहाड़गंज, यानी टोटल 7 विकासखंड यहाँ पर है। अगला हम बात करें यहीं पर सिहुनिया है, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि 11वीं सदी में कछवाहा वंश की राजधानी थी और वहाँ के राजा ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था जो 115 फीट ऊंचा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कि मुरैना के में जो मंदिर है, या मुरैना के मंदिर के अंतर्गत 100 फीट 115 फीट ऊंचा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या पूछा जा सकता है कि शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कितने फीट ऊंचा है ना, और ये कहाँ स्थापित, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है कि IMP क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ तो ये खजुराहो मंदिर शैली के अंतर्गत निर्मित है। यहीं पर कैलाशर की बात करें तो कैलाशर मुरैना जिले की तहसील और जनपद पंचायत दोनों यहाँ पर है, जहाँ पर शिव और कृष्ण के मंदिर के अलावा यहाँ शुगर फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है। अगला जोरा जो यहाँ की तहसील भी है और विकासखंड भी है, कहा जाता है कि यह करौली सरदारों द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर प्राचीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं, और साथ ही यहाँ पर राजकीय कार्यालय, विद्यालय, औषधालय, डाकघर और नगर पालिका आदि स्थापित है। इसके बाद बात करें हम पहाड़गंज की, तो जिले का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है पहाड़गंज, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व में मध्य यहाँ पर जो है कि इसकी बनावट हुई थी, यानी यहाँ पर गुफाएं हैं और विस्तृत गुफाएं हैं, और जिसमें से यदि संख्या की बात करें तो 85 से 86 गुफाएं यहाँ पर छोटी मोटी मिलती है, यानी छोट कुछ छोटी गुफाएं भी, बड़े स्तर की गुफाएं भी यहाँ पर है, और ये पूरा जो फैला हुआ है ये तकरीबन 1500 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे पौराणिक रूप से शैलचित्र, मानव आकृति और आदि चीज़ें, बनावटी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, हाथी घोड़े के चित्र, इस प्रकार से पौराणिक शैली यहाँ पर मिलती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी यहाँ पर स्थापित है मुरैना में, और ये राष्ट्रीय अभयारण्य जो है कि 435 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, 1980 में
इसकी शुरुआत हुई थी या स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी। इसके बाद कुतवार का पुराना किला भी यहाँ पर स्थापित है जो आसा नदी के तट पर स्थापित है, और 18वीं शताब्दी में गोहद के जाट राजा राणा छत्रपति ने इसका निर्माण कराया था। और यहीं पर माता हरसिद्धि का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अगली हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना का जो नाम पड़ा वो पहले मुरैना ना होकर के पहले मयूरवन था। मयूरवन का कारण जो था वो ये कि यहाँ पर मोर का बाहुल्य था, मोर पक्षी का बाहुल्य था, और उनके बाहुल्य के कारण ही इसको मयूरवन का कहते थे। बाद में जिसका नाम परिवर्तित होकर के मुरैना पड़ गया। मुरैना की यदि बात करें तो एक और यहाँ का जो क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन भी अधिकतर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और यहाँ की यदि हम बात करें तो गौरव भी है। मुरैना क्षेत्र भारत का गौरव इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पर महान क्रांतिकारी राम प्रसाद मिश्मिल का गृह गांव भी है या पैतृक गांव भी मुरैना है, और इसी के लिए मुंबई का मुरैना का जो बबई ग्राम है वहाँ पर एक शहीद पार्क भी बनाया गया है जहाँ पर महान क्रांतिकारी राम प्रसिद्ध बिस्मिल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ ही साथ मुरैना से NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरता है। साथ ही हम मुरैना की बात करें तो मुरैना में कच्ची घानी के सरसों का तेल का भी उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो जलापूर्ति है वो चंबल नदी, कुंवारी नदी, आसम नदी और सक नदी आदि द्वारा की जाती है। औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर स्थापित है, और साथ ही यहाँ पर मुरैना में जो है कि सहकारी शक्कर कारखाना है उसके लिए भी ये जाना जाता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, शुगर फैक्ट्री, तो ये भी यहाँ पर स्थापित है। साथ ही साथ JK इंडस्ट्रियल टायर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, और ऑटोमोबाइल और रेडियल टायर आदि का भी निर्माण मुरैना में किया जाता है। एक यहाँ की गंभीर समस्या है जिसके बारे में भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ है। तो मृदा अपरदन यहाँ पे नदी के कारण, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा चंबल नदी है, आसम नदी है, सक नदी है, कुंवारी नदी है, तो नदियों के कारण यहाँ का जो कि मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये एक जटिल समस्या यहाँ की है जो अधिकतर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है मृदा अपरदन की समस्या कहाँ पाई जाती है। तो ये दोनों क्षेत्र खासतौर पर भिंड और मुरैना दोनों में ही मृदा अपरदन पाया जाता है, तो यहाँ की सबसे जटिल समस्या है। अगला यहाँ के मुख्य आकर्षण स्थलों की बात करें, जिसमें हमने अभी पढ़ा था पहाड़गढ़, तो इसके अलावा भी मुख्य आकर्षण है यहाँ का संबलगढ़ का किला, नूराबाद, कुटवार, सिहोनिया जिसकी हमने बात की थी, 115 फीट ऊंचा मंदिर है, पहाड़गढ़, लिखीराज गुफाएं और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो ये यहाँ के जो है कि आकर्षण के केंद्र भी हैं। और धार्मिक स्थल की यदि बात करें इसी के अंतर्गत तो काकड़ मठ मंदिर यहाँ पर है, जैन मंदिर है, हरसिद्धि देवी मंदिर है, विष्णु मंदिर है, योगिन मंदिर है, परशुराम का मंदिर है, और अलोपी शंकर मंदिर है, तथा बहरा देवी मंदिर जो कैलाशर में है, और शनि मंदिर, ये यहाँ के दार्शनिक स्थल हैं। इसके अलावा कृषि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर खास तौर पर सरसों की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से ये मुरैना से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी।
जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, और वैसे भी हमें अपने मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के बारे में परिचय होना ही चाहिए। मुझे आता विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारा, और ये उपयोगी डेटा जो है कि आपको काम भी आएगा, कहीं ना कहीं उपयोगी आपके लिए साबित होगा। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब हम सभी डिस्ट्रिक्ट के डिटेल प्रत्येक दिन पढ़ने वाले हैं, एक के बाद एक वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अपने साथियों को इसे शेयर अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।